ओडिशा के बालासोर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक गई और ये देश को झकझोर देने वाली ये घटना अब विदेशों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हादसा कितना भीषण था इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेनों की टक्कर की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी और दर्द पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इस रेल हादसे का दोष अब विपक्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सिर मरने में लगा हुआ है और साथ ही इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस सब के बीच अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेल मंत्री ट्रेन टक्कर से सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली कवच की बात कर रहे हैं। रेल मंत्री के इस वायरल वीडियो को आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है। ये एक टेक्नोलॉजी दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकती है। भारतीय रेलवे लगातार कवच तकनीक पर काम कर रही थी। दावे किए जा रहे थे कि इस तकनीक की मदद से भारतीय रेलवे भविष्य में 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य अचीव कर लेगी। साल 2022 में इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया और इस कवच प्रणाली का रेल मंत्री भी वीडियो में इसकी व्याख्या करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद ही सुनिए। रेल मंत्री के हाथ में डेमो ट्रेन है और वो इस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दो ट्रेनों के आपस में टक्कर को बचाया कैसे जा सकता है। आप खुद ही सुनिए रेल मंत्री ने क्या कहा। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाय चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उस पर ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाय चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। अब ओडिशा के इस हादसे के बाद रेल मंत्री का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उन पर कटाक्ष किया जा रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर भारतीय रेलवे के पास ये तकनीक थी तो इन ट्रेनों में उसे इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया। अगर कवच इन ट्रेनों में इंस्टॉल होता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता, सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। अगर कवच का सही उपयोग सही समय पर होता तो आज शायद दुनिया गम में न डूबी होती। विदेशों तक ओडिशा में हुए बड़े रेल हादसों की चर्चा हो रही है। इस रेल हादसे की खबर को सभी विदेशी बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर समेत दुनिया भर के तमाम बड़े राजनेताओं के इस घटना पर दुख जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने ट्वीट करके कहा, पूर्वी भारत में एक दुखद ट्रेन दुर्घटना से गहरा दुख हुआ जिसमें कई लोगों के घायल होने या मरने की खबर आई है, उन सभी के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस हादसे पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारत के ओडिशा में इस ट्रेन हादसे की तस्वीरें और रिपोर्ट मेरा दिल तोड़ देती है। मैं उन लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और घायलों को लेकर भी मेरे विचार है। इस मुश्किल घड़ी में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ खड़े। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोग ने भी लोगों की मौत पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में गहरा सदमा और दुख हुआ, हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त और घायलों के परिवार के साथ हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस ओलिपो ने बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, इस हादसे से हम सभी इस खबर को सुनकर काफी दुखी हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वायरल वीडियो के बाद रेल मंत्री को जब कवच प्रणाली के बारे में सब कुछ पता था तो इसमें इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर इसे इंस्टॉल होता तो बहुत से परिवार आज जिंदा होते, खुश होते, साथ होते और ओडिशा में ये हादसा आज पूरी दुनिया नहीं देख पाती। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो पूरी दुनिया इस समय सह रही है। फिलहाल इस खबर पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज के साथ।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।